दोस्तों, जब जब अमेरिकन इलेक्शंस की बात होती है तब तब हमारे दिमाग में अक्सर दो ही पार्टीज का नाम फ्लैश होता है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। ये दो पार्टीज लगभग हर चीज में एक दूसरे को अपोज करती हैं, अपने आप को दूसरे से बेहतर प्रूव करने के लिए। इन दोनों के इलेक्शन कैंपेन्स खुद की पॉलिसीज से ज़्यादा एक दूसरे के क्रिटिसिज्म से भरे होते हैं। हर एक पॉलिसी और पब्लिक डिसीजन को लेकर भले ही इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है जहां ये दोनों हमेशा एकमत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा मुद्दा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की। यूएस में हर 4 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं और हर कैंपेन में हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इसराइल को लेकर अपना सपोर्ट दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। फिर चाहे वो जॉर्ज बुश हो, ओबामा हो, क्लिंटन हो, ट्रंप हो या आज प्रेसिडेंट बाइडेन ही क्यों ना हो, ये सभी प्रेसिडेंट्स इसराइल के साथ अपने हिस्टोरिक, स्ट्रैटेजिक और ट्रेड रिलेशंस को शो ऑफ करने में भी पीछे नहीं हटे। हालांकि इन सभी प्रेसिडेंट्स और उनके प्रीडिसेसर्स की इसराइल के प्रति पॉलिसीज काफ़ी अलग अलग रहीं, लेकिन फंडामेंटली यूएस के हर प्रेसिडेंट का सपोर्ट इसराइल के फेवर में ही देखा गया है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड्स के साथ साथ इसराइल के मिलिट्री एक्शंस को सपोर्ट करना और हर इंटरनेशनल फोरम पर इसराइल के क्रिटिसिज्म को ब्लॉक कर देना दोनों कंट्रीज के रोमांस को साफ दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस ने इसराइल के खिलाफ लाए गए यूएनएससी रेजोल्यूशन को अपनी वीटो पावर के जरिए 42 टाइम्स ब्लॉक किया है। और ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। यूएस और इसराइल की दोस्ती के किस्से और कहानियां इतिहास के पन्नों में भरे हुए हैं। लास्ट ईयर जब इसराइल और हमास के बीच गाजा स्ट्रिप पर वायलेंट क्लैशेस चल रहे थे, उस समय कांग्रेस ने प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर इसराइल को क्रिटिसाइज करने का बहुत प्रेशर बनाया। यहां तक कि यूएस द्वारा इसराइल को दी जाने वाली फाइनेंशियल और मिलिट्री एड पर भी कई डिबेट्स हुई, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया और बाइडेन ऐसा करने वाले पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं है। पिछले कई दशकों से यूएस के सभी प्रेसिडेंट्स इसराइल के एक्शंस को रोकने या उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय उल्टा उसी के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स देते आए हैं। यहां सवाल यह है कि यूएस प्रेसिडेंट्स की ये रिलक्टेंस आखिर क्या दर्शाती है? आखिर क्यों अमेरिका चाहकर भी इसराइल को एक पॉइंट के बियॉन्ड क्रिटिसाइज नहीं करता है? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपने इंटरेस्ट से पहले इसराइल के इंटरेस्ट को आगे रखती है? शुरुआत में तो यूएस अपने इस इंस्टेंस के लिए ज्यूइश कम्युनिटी के प्रति अपने मोरल सपोर्ट का हवाला देता था, लेकिन आज तो इसराइल एक बेहद पावरफुल स्टेट बन चुका है। अपनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज के बदौलत आज इसराइल बड़ी बड़ी पावर्स को पीछे छोड़ रहा है। तो फिर अब भी यूएसए इसराइल को एड क्यों प्रोवाइड कर रहा है? दोस्तों, अब तक ये तो आप बहुत अच्छे से समझ ही चुके होंगे कि जब बात जियोपॉलिटिक्स की होती है तो यहाँ कोई भी फ्रेंडशिप बिना मतलब के नहीं होती। उसी तरह जाहिर है कि यूएस का इसराइल के लिए सपोर्ट उसके खुद के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को भी प्रमोट करता है। उदाहरण के तौर पर इसराइल मिडल ईस्ट में यूएस के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़ी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ यूएस को अपनी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसराइल या फिर जियूस के लिए यूएस का सपोर्ट केवल उसकी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस या फिर फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ बहुत मजबूती से गुथे हुए हैं। आज हम उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका सहारा लेकर कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यूएस को जियूस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूएस इसराइल रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इससे जुड़ा एक क्वेश्चन हम आपके लिए वीडियो के एंड में छोड़कर जाएंगे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि स्टडी IQ ने हमेशा से अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है और एक बार फिर से आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टडी IQ के कोर्सेज पे मिलने जा रहा है आपको भारी डिस्काउंट मंथ एंड सेल के अंतर्गत फ्रॉम 27th to 30th May। स्टडी IQ के कोर्सेज सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के मामले में ही नहीं बल्कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, जहां आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज के प्री प्लस मेंस के वीडियोस, PPTs, MCQs, करंट अफेयर्स प्रोग्राम और रिविजन के लिए अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। बस आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे और यूज करना है कोड AGFLASH और उसके बाद आप अपनी तैयारी को दे पाएंगे स्टडी IQ के कोर्सेज से नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इन कोर्सेज को खरीदने की लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी।
दोस्तों, किसी भी देश की पॉलिसीज ज्यादातर उसके पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन पर ही बेस्ड होती है, लेकिन यूएस की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज मेजोरिटी की जगह उनकी माइनॉरिटी ज्यूइश पॉपुलेशन के ओपिनियन के द्वारा गवर्न की जाती है। व्हाइट हाउस में कोई भी रूल कर रहा हो, लेकिन उनके हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग को ज्यूइश लॉबीज ही डिसाइड करती हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें आपको इतिहास में थोड़ा पीछे लेकर चलना होगा। आज लगभग यूएसए में 6 मिलियन ज्यूइश पॉपुलेशन रहती है, जो वर्ल्ड की टोटल ज्यूइश पॉपुलेशन का अराउंड 40% है। इजराइल के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन यूएस में ही रहती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज्यूइश पॉपुलेशन यूएस की टोटल पॉपुलेशन का केवल 2.4% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के बावजूद यूएस के मेजर डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ज्यूइश सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। इसके मुख्य तौर पर 3 कारण बताए जाते हैं। पहला है यूएस की लॉन्ग रनिंग मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी, दूसरा है यूएस की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और तीसरा है वॉशिंगटन में मौजूद एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल लॉबी। दोस्तों, यूएस में ज्यू सेटलमेंट की कहानी यूएस जितनी ही पुरानी है। कहा जाता है कि यूरोप से माइग्रेट करके यूएस की धरती पर आने वाले ज्यूज ने अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसी का नतीजा था कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने ज्यूज को अमेरिकन के समान ही इक्वल राइट देने की बात की, और इसी के साथ ज्यूज को इक्वल राइट देने वाला अमेरिका पहला कंट्री बन गया। लेकिन अमेरिका ने हर बार ज्यूज को खुशी खुशी वेलकम नहीं किया। शुरुआत में यहाँ ज्यूज पॉपुलेशन को कई अप्स एंड डाउन्स का शिकार होना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब ज्यूज के खिलाफ अमेरिका की धरती पर अलग अलग तरह के क्राइम्स कमिट किए गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पीरियड ऐसा भी था जब अमेरिका में ज्यूज कम्युनिटीज फैक्ट्रीज बिजनेसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल डोमेन्स में तेजी से फल फूल रही थी। ज्यूज ने अमेरिका को बॉब डायलन, नील डायमंड, मैक्स वेबर, कैल्विन क्लेन और माइक ब्लूमबर्ग जैसे नए आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स दिए हैं। इतना ही नहीं, आइंस्टीन, फेमैन और नील्स बोर जैसे ज्यूइश साइंटिस्ट की वजह से यूएसए को कई नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यूइश पॉपुलेशन की इनकम यूएस की नेशनल एवरेज से करीब 72% ऊपर रही है। एथनिक माइनॉरिटीज की इनकम में ये कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। खैर, इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज से यूएस में ज्यूइश माइग्रेशन कई वेव्स में हुआ। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी तक आते आते यूएस में यूरोपियन ज्यूइश का इमिग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूरोप में एंटी सेमिटिज्म या फिर एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट अपनी पीक पर था, और इसी पीरियड में यूएस में ज्यूइश का माइग्रेशन सबसे ज्यादा नंबर्स में देखा गया। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज्यूइश धर्म के लोगों के अगेंस्ट ये बर्ताव हिटलर के आने से शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यूज़ की प्रोसिक्यूशन और उन पर हो रहे टॉर्चर की हिस्ट्री 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। खैर, वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1948 में ज्यूज ने अपने खुद के देश इसराइल की स्थापना की, और इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रूमन के नेतृत्व में यूएस इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला देश बना। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रूमन के इस डिसीजन पर अमेरिका की जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा इन्फ्लुएंस शामिल था। इसराइल के इस क्विक रिकॉग्निशन के पीछे यूएस के स्ट्रेटजिक फॉरेन पॉलिसी एम्बिशंस का भी एक बड़ा हाथ था। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होते ही दो वॉर टाइम अलाइज यानी कि यूएस और यूएसएसआर एक नई जंग लड़ने में शुमार हो गए, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। इस दौरान यूएस और यूएसएसआर धरती के हर हिस्से को अपने कंट्रोल में करने के लिए लड़ रहे थे। जाहिर है कि मिडल ईस्ट जैसे स्ट्रेटजिक रीजन पर भी दोनों की नजर थी। इस एम्बिशन को अचीव करने के लिए इसराइल यूएस का सबसे बेस्ट टूल बनकर उभरा। इस दौरान सभी यूएस प्रेसिडेंट्स मिडल ईस्ट में सोवियत के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए इसराइल को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने लगे। 1940 से 1970s के दौरान यूएस के सिविल राइट मूवमेंट में भी ज्यूज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। एक समय पर यूएसए में ब्लैक राइट्स मूवमेंट और सिविल लिबर्टीज की मांग के लिए ज्यूइश पॉपुलेशन ने एक अहम रोल अदा किया, लेकिन ये पीरियड हमेशा से इतना स्मूथ नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर 1956 में हुई स्विस कनाल क्राइसिस के दौरान यूएस प्रेसिडेंट ड्यूइट इश्नोवर ने इसराइल और उसके सपोर्टर्स ब्रिटेन और फ्रांस को सपोर्ट नहीं किया। उसी तरह इसराइल के न्यूक्लियर ऑपरेशन ने भी कई बार यूएस और इसराइल के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट करने का काम किया। बट ओवरऑल इस पूरे कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान मिडिल ईस्ट में सोवियत के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना और अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस ने लगातार इसराइल को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया। 1990s में कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही यूएस का
इसराइल को कंट्रोल करने का स्ट्रेटजिक जस्टिफिकेशन तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड भी जारी थी। और वो इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद भी यूएस की फॉरेन पॉलिसी की मिडिल ईस्ट पॉलिसी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस इस रीजन के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा। मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी उसकी ऑयल रिसोर्सेज के चलते यूएस के इंटरेस्ट को सपोर्ट कर रही थी। खैर, इस दौरान यूएस की फॉरेन पॉलिसी ज्यादातर हर तरह से इसराइल के सपोर्ट में थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, ज्यूइश इन्फ्लुएंस केवल यूएस की फॉरेन पॉलिसी तक ही सीमित नहीं है। ज्यूइश इन्फ्लुएंस यूएस के पब्लिक ओपिनियन और उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में साफ साफ दिखाई पड़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस और इसराइल के रिलेशनशिप को ड्राइव करने वाले सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो है अमेरिकन पब्लिक का इसराइल के लिए डीप सपोर्ट। गैलुप पोल्स के मुताबिक 1998 से लेकर अभी तक के डेटा के एवरेज को देखें तो अमेरिकन पब्लिक का 60-70% हिस्सा इसराइल को फेवर करता है, जबकि कुल 20-30% हिस्सा फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी यूएस कांग्रेस में इसराइल को लेकर कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है तो वो ज्यादातर बड़ी आसानी से यूनानिमसली पास हो जाता है। उदाहरण के तौर पर लास्ट ईयर जब गाजा स्ट्रिप में इसराइल के ऑफेंसेस को लेकर कांग्रेस में बिल पेश किया गया तो वो बाकी सभी प्रो इजरायली बिल्स की तरह यूनानिमसली पास कर दिया गया। उसी तरह 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यूएस पर आज लगभग $26 trillion का डेट है। फिर भी यूएस हर साल इसराइल को $3 billion की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। अमेरिका से दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को जाने वाली एड का 20% हिस्सा कुल 60 लाख की पॉपुलेशन वाले इसराइल को जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एड को यूएस कांग्रेस में मौजूद लिबरल्स या कंजर्वेटिव्स के द्वारा कभी भी अपोज नहीं किया गया। ये वही ग्रुप्स हैं जो अक्सर यूएस की बाकी देशों को दिए जाने वाली फॉरेन एड्स के खिलाफ बोलते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि इसराइल के पॉलिटिशियंस अपने वोटर्स के प्रो इसराइली बिहेवियर को अच्छी तरह समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकन पब्लिक के इन सेंटिमेंट्स का आखिर कारण क्या है, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है शेयर्ड वैल्यूज। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन पब्लिक इसराइल को मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के एकमात्र प्रमोटर के रूप में देखते हैं। अमेरिकन पब्लिक के माइंड में इसराइल की ये मोरल इमेज इंटैक्ट है। वो मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते ऑथोरिटेरियनिज्म और एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इसराइल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ रिलीजन भी एक मेजर रोल प्ले करता है। आपको बता दें कि यूएस में अमेरिकन ज्यूज और एवेंगेलिकल क्रिश्चियंस दो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली इंगेजिंग ग्रुप्स हैं। ये दोनों ही ग्रुप्स डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स की मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हिस्सा हैं और ये दोनों ही ग्रुप्स प्रो इसराइल हैं। तो कुल मिलाकर ज्यूज, क्रिश्चियंस और अमेरिका के ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट को मिक्स कर दें तो इसराइल के लिए एक कंसिस्टेंट अनकंडीशनल सपोर्ट की एक परफेक्ट रेसिपी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी डिस्कस की गई यूएस की फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसी में अमेरिका की प्रो इसराइल लॉबी के रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई हैं, जिनका कहना है ये लॉबी सीक्रेट रूम्स में क्लोज डोर्स के पीछे ऑपरेट करती हैं। इसमें पहली है द रॉथचाइल्ड थ्योरी, जिसके मुताबिक ज्यूश लोग इलीगल तरीकों से फंड्स रेस करते हैं और उन फंड से कंट्री के इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के फंक्शनरीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। और दूसरी थ्योरी है ज़ायोनिस्ट गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक यूएस में एक ज्यूश लॉबी एग्जिस्ट करती है जो कुछ ज्यूश ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिकेशंस, एकेडमिशियंस, थिंक टैंक्स और कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का एक लूज कोएलिशन है जो अपनी मजबूत लिंक से यूएस को हमेशा प्रो ज्यूश, प्रो इसराइली पॉलिसीज बनाने पर मजबूर करता है। लेकिन आईआर के मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स जॉन मर्शिमर और स्टीफन वॉल्ट का कहना है कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गलत हैं। उनका कहना है कि ये लॉबीज सबकी आंखों के सामने ओपनली ऑपरेट करती है। उनके मुताबिक यूएस इसराइल के रिलेशंस किसी भी शेयर्ड वैल्यूज या स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि केवल इस प्रो इसराइल लॉबी से समझे जा सकते हैं। अमेरिकन ज्यूज की लॉबी यूएस के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एक इंटेग्रल पार्ट बन गई है। आपको बता दें कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी, जिसे AIPAC भी कहते हैं, अमेरिका की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रो इसराइल लॉबी है। यूएस के इलेक्शन कैंपेन्स की फंडिंग से लेकर कांग्रेस के लेजिस्लेशन को डिजाइन करने तक ये ज्यूइश लॉबी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जरिए एक अहम रोल प्ले करती आई है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें तब देखने को मिला जब 1974 में यूएस ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड करने की ये कंडीशन रखी
कि सोवियत यूनियन को अपनी ज्यूइश माइनॉरिटी की सभी नीड्स को फुलफिल करना होगा। 1991 में यूएसएसआर के फॉल के बाद भी ये कंडीशंस रशिया के लिए कंटिन्यू रही। अगर फंडिंग की बात करें तो कहा जाता है कि ये लॉबी यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को भारी भरकम फंड्स प्रोवाइड करती है। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इस प्रो इजराइल ग्रुप में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को लगभग $40 मिलियन डोनेट किए थे, जिसमें 63% डेमोक्रेट्स के पास और 36% रिपब्लिकन्स के पास गए थे। ये अमाउंट 2016 के इलेक्शन से 2 गुना ज़्यादा था। खैर, उसी तरह कैंपस वॉच नाम के एक थिंक टैंक अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के मिडिल ईस्ट से जुड़े कोर्सेज पर नज़र रखने का काम करता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये काफ़ी बार इसराइल के खिलाफ व्यूज पेश करने वाले एकेडमिशियंस और स्कॉलर्स को हैरिस और डिफेम भी करती है। कमिटी फॉर एक्यूरेसी इन मिडिल ईस्ट रिपोर्टिंग इन अमेरिका भी एक ऐसे ही अमेरिकन प्रो इसराइल मीडिया मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी ऐसी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं होने देती जिससे इसराइल की इमेज को कोई भी नुकसान हो। क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल भी यूएस की एक स्ट्रॉन्ग प्रो इसराइल लॉबी है जो अमेरिकन सोसाइटी में प्रो इसराइली सेंटीमेंट्स को केटर करती आई है। तो दोस्तों, इस तरह न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस, एनर्जी फर्म्स, वेपन इंडस्ट्रीज अलग अलग रूप से यूएस की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। इनका मेन मकसद यूएस इसराइल रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन आज ये अपने मेन एम से हटकर यूएस की पॉलिटिक्स और उनकी सिविल सोसाइटी में एक्सेसिवली इंटरफेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स अक्सर बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल रूप भी ले लेते हैं। अगर आप गौर करें तो प्रो इसराइल लॉबी को लेकर कंसर्न्स उसी एंटी सेमिटिज्म के भावना को दर्शाते हैं जो एक समय पर यूरोप में ज्यूज के अगेंस्ट इम्पोज किए गए थे। तब भी उन पर गवर्नमेंट को सीक्रेटली कंट्रोल करने का इल्जाम लगाया जाता था और इसी तरह के एलिगेशंस उनके अगेंस्ट किए गए क्रियोल क्राइम्स का बेस बने। इसके अलावा कई बार ये क्रिटिक्स अमेरिका की पूरी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही प्रो इसराइल का टैग दे देते हैं, जो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। साथ ही ये आर्गुमेंट्स इसराइल की स्ट्रेटजिक और मोरल सिग्निफिकेंस को भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इनके मुताबिक इसराइल की अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है और वो केवल इन लॉबीज की वजह से ही यूएस के सपोर्ट को हासिल कर पाता है। खैर दोस्तों, ये डिबेट तो अनएंडिंग है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये प्रो इसराइल लॉबी अमेरिका की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को एक बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ये कहना कि केवल यही एक फैक्टर है जिस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को गवर्न करता है, ये भी सही नहीं है। पॉलिसी मेकिंग एक बेहद कॉम्प्लेक्स फील्ड है जो न जाने कितने तरह के फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, और ये बात अमेरिका की प्रो इसराइल पॉलिसीज में भी पूरी तरह से सटीक बैठता है। पर इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये था एनालिसिस यूएस के प्रो इसराइली कल्चर पर, और जैसे कि आपको वीडियो के पहले भाग में बताया, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन एड इन द इसराइल सक्सेस इन मेजर अरब इसराइली वॉर्स। प्लीज इसको आंसर करिएगा। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।